الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وخلق كل شيء فتبارك الله أحسن الخالقين والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد ये और बात है कि मिलने को एक ज़माना मिला करीब करीब हो जो यार अगे बहुते हो तू करीब करीब आज हमेशा खतीब देख करीब होकर बैठा है स्वाब होंदा ये और बात है कि मिलने को एक ज़माना मिला मगर तुझसा जहां में कोई रहनुमा न मिला तेरी नवाजशें करती हैं लाजवाब मुझे तेरी नवाजशें करती है लाजवाब मुझे मैं क्या बताऊं कि तुझे पाकर मुझे क्या मिला हो जिस पर तेरी अताअत का दर बंद उसी पे सब दर बंद हो जिस पर तेरी अताअत का दर बंद उसे भी सब दर बंद जिसको तू न मिला उसे खुदा भी न मिला सामीन मोहतरम हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जुल जलाल वाले कराम दी जाते पाक वास्ते जो सारी कायनात दा खालक है मालक है राजक है मुश्किल कुशा है हाजत रवा है बिगड़ियां बनाने वाला है अल्लाह ही लाजपाल है अल्लाह ही गौसे आजम है अल्लाह ही गरीब नवास है अल्लाह ही दस्तगीर है और अल्लाह ही रंज बख्श है अल्लाह कल्ला ही गंज बख्श है हर किस्म दियाँ हमदा सनावा कि बरियाइयाँ बुराइयाँ तमहीदा तमजीदा तस्बीहा तकदीसा तहलीला तफसीलां और तफशीलां दे लाए इस अर्जो समा दे अंदर अगर कोई ज़ात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी पाक ज़ात है मुकसिर हमदो सना तो बा लखा करोड़ा ला तदाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरामैन इमामुल कुल शाफ़िए महशर ख़तीबुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ाते ग्रामी थे माशाल्लाह मेरे बहुत ही मोहसन बहुत ही मोहब्बत और प्यार वाले भाई हाजी अब्दुर्रहमान सलफ़ी साहब
आए बाहर से माशाल्लाह, आते ही उन्होंने मस्जिद के इंतजामात को संभाल लिया और अच्छे तरीके से माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है और जारी और सारी है। आज की बज़म भी माशाल्लाह उन्होंने सजाई। अल्लाह पाक उनके हसनात को अल्लाह अपने दरबार में मकबूल व मंजूर फरमाए और नजात का जरिया बनाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह रात एक आया मुबारक का कुछ हिस्सा कुछ अल्फाज तुहाडे गोश गुजार किते। वाले कुल कौमिन हाद, अल्लाह जो जलाल फरमा रहे हर कौम का हादी हर कौम का रहनुमा यानी होया करदा है, खा कौमें मुस्लिम गुजरी हैं या गैर मुस्लिम गुजरी, हर कौम का रहबर हर कौम का रहनुमा होया करदा है। लेकिन अल्लाह जुल जलाल की कसम है जिहो जा रहबर रहनुमा अल्लाह जुल जलाल ने इस उम्मत नु अता फरमाया, किसी उम्मत नु अता फरमाया, इतना मुशफिक नबी, इतना मेहरबान नबी और उम्मत दा खैर खा नबी और उम्मत दा गम खार नबी। पढ़ी लिखी बात है कि सब तो ज्यादा अगर किसी के दिल के अंदर मुहब्बत होंगी है तो वालदैन के दिल में औलाद भी होंगी, बाकी मुहब्बत पीछे लुंडिया मुंडिया मुहब्बत जड़िया कोई मुहब्बत नहीं होंदिया, एवं वक्ती तौर पर सारे होंगे ने। सब तो ज्यादा मुहब्बत अखूवत मरवत रिकत और दिक्कत अगर किसी दिल दिल दे होंगी है तो वालदैन के दिल में औलाद की मुहब्बत होंगी। लेकिन याद रखिए सारे जहान दिया मावां की मुहब्बत अखूवत मरवत एक पासे, सारे जहान दिया मावां की मुहब्बत मिलके जितनी मुहब्बत रसूलुल्लाह सल्लम अपनी उम्मत नाल है सारे जहान दिया मावां की मुहब्बत मिलके भी मुकाबला कर सकते हैं, क्यों जी गल ठीक है। सारे जहान दिया मावां की मुहब्बत एक पासे कर दी जाए, जितनी मुहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नाल है सारे जहान दिया मावां की मुहब्बत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इसके दलायल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तासुरात जो उम्मत दे बारे अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर भी बयान फरमाए ने और अल्लाह जो जल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बयान फरमाए ने। भाई अपने वादे की पाबंदी जो हाफ साहब ने किया वो ही करना है, चलो थोड़ी इजाजत ना जो दिल कर थोड़ी इजाजत मेरा टाइम ही ताड़े लिए मैंने उन्होंने आख्या जो राणा साहब मैं मुंह तो ट्यूटा ही समझ इतने टबरा के खलो जा जो हुक्म अगे नहीं चलना सवाल ही नहीं पैदा मेरा टाइम ताड़े नहीं मालूम। चलो पांच मिनट मिल गए बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी उम्मत के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तासुरात हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे औसाफ बयान कर दे उन्होंने लकब लिया वसाफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे औसाफ बयान कर दे। हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत दे बारे तासुरात कुरान मजीद अंदर भी और हदीस की किताब अंदर भी मौजूद ने। अल्लाह जुल जलाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तासुरात जो उम्मत दे बारे बयान अल्लाह का बाक नफ्सा का अल्लाह यकून अगे की है अल्लाह का बाक नफ्सा का अल्लाह यकून मिनल मोमिनीन यानी है मेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुसी अपनी शायद जान हलाकत अंदर पाने वाले हो कि इस वास्ते कि ईमानदार क्यों नहीं हो जाते ईमान क्यों नहीं लेंदे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यह ख्वाहिश रही है
कि मेरी सारे दी सारी उम्मत ईमानदार बन जाए, मोमन बन जाए, मुवाहद बन जाए और अल्लाह दे अजाबां कोलों बच के ते सलामती ना अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल हो जाए। आओ मैं एक हदीस बयान करके अपनी बात नूं खत्म करना। इस हदीस दी रावीया अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत कर दिया ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू एक दिन वेख्या बड़ा हशास बशास ते खुश वेख्या। मैं मौके को फायदा उठाया कर लिया कि रसूल बड़े हशास बशास खुश नजर आ रहे ने। ते अम्मा जी फरमा दिया ने अल्लाह के रसूल उदो उल्लाह ली महबूब जी मेरे वास्ते दुआ कर दो। अम्मा जी का को मंशा गर्जो गाए तो होर सी लेकिन अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देने अल्लाहुम्मा गफिर ले आयशा तमा तकद्दमा मिन ज़म्बिहा वमा तअख्खर वमा असरत वमा अलनत। अल्लाह आयशा दे सारे गुनाह माफ फरमा दे, अगले पिछले जाने अनजाने जड़े हो गए ने अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा दे। अम्मा आयशा सदीका रसी अल्लाह तआला अन्हा दे तवज्जो भाई इधर मेहमाना ने आना जाना तो तुम इधर ना वेखो तवज्जो दो। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये दुआ की अम्मा जी आयशा सदीका रसी अल्लाह ताला अन्हे दुआ सुन के बहुत खुश हुई। हत्ता सकत रासुहा मिन ज़हक़ इतनी आँखों या हत्ता के उन्हों का सर मुबारक हस हस के गोद न लग जाता इतनिया मुस्कराइया दुआ सुन के। अकल ऐ सला तो व सलाम फरमाया सुरो के दुआई ऐशा मेरी दुआ सुन के तेनू बड़ी खुशी हो रही है। अम्मा जी फरमा दी वा माली ला यो सुरो नी दुआओ का महबूब जी मैं तुहाडी दुआ सुन के क्यों ना खुश होवा। तुसा मेरे वास्ते मफरत की दुआ की थी लेकिन तुहाडी दुआ के बारे अल्लाह ने एक बात भी कही है खुजमे ने आम वाले हिम सदा कतन तो तहिर हूँ व तो जकी हिम बेहा व सल अलैहिम इन सलातक सकनुल्लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ मेरे महबूब इन्हां दे अमालां विचों सदकात खरा ज़कात ला के इन्हां दा तज़किया नफ्स कीता करो और इन्हां वास्ते फिर दुआए खैर भी कीता करो। इन्ना सलातक सकनुल्लहुम तेरी दुआ महबूब जी इन्हां दे दिलां दा सुकून बन जाया कर दीए। इन्ना सलातक सकनुल्लहुम तुहाडी दुआ इन्हां दे दिलां दा चैन रह तुहाडे दिलां इन्हां दे दिलां दी बहार बन जाएगी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आयशा तू ते ए हुण मगफरत दी दुआ सुन के खुश होई ए वल्लाह इन्ना लदावती ले उम्मती फी कुल सलात मैनू अल्लाह की कसम है मेरी तो कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज विच मैं अपनी उम्मत वास्ते मगफरत की दुआ नहीं करता। सुबहान अल्लाह देखा था सुरात अल्लाह के रसूल सल उम्मत दे बारे फरमाया कोई तखसीस नहीं अहले इलम लोग बैठे वल्लाह है फरमाया कसम खाख दे वाओ कसमिया आईए वाओ अपना रूप बदल बदल के कुरानो हदीस सराउंदर किते और दा माना दें दिए किते वाओ आतफा आया कर दिए किते वाओ कसमिया आया कर दिए इत्थे वाओ कसमिया है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के आख्या मैनू अल्लाह दी कसम मेरी तो कैसी दुआ ही नहीं फी कुल्ले सलात जिस नवाज में मैं मुखरदी दुआ नहीं करता यानी अपनी उम्मत वास्ते। रहबर होवे ते इंजदा होवे रहनुमा होवे ते अल्लाह अकबर। फिर मेरे भाई बात एक कह जावा जमाने की नगाहों ने बशर ऐसा नहीं देखा जमाने की निगाहों ने बशर ऐसा नहीं देखा
रिश्तों नब रसूलों में यहाँ देखा, फरिश्तों में वहाँ देखा, मुखालिफ से दमे गुफ्तार मुँह से फूल जड़ते थे, अदीब ऐसा नजर आया न ऐसा खुश बयां देखा, अमल से अपने सखलाया जमाने को अमल करना, अमल से अपने सखलाया जमाने को अमल करना, उसी के खुल्क से दुनिया ने दौड़ दे बे खजान देखा, बहुत आए जहां अंदर सोहेल इस शान का बंदा। सोहेल बनारसी सादक सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिखी जमाले मुस्तफा दे विच ये लिखिया जो मैं तुहानू सुना रहा। सोहेल बनारसी, अल्लाह बहुत आए जहां अंदर सोहेल इस शान का बंदा, न बालाए फलक पाया न जेरे आसमां देखा। अल्लाह पाक ऐसे मोहसन महबूब नबी जो उम्मत दा दर्द हमेशा दिल रखने वाले, लैलो नहार सुबह मशा उम्मत दे हक़ां दा मगफरत दीआं दुआवां करने वाले, अल्लाह पाक उन पक्की सच्ची ताबियादारी इख्तियार करने तो फीक अता फरमाए। वा मा अला इन इल्ला बलाग।